हे गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जो आज का हमारा मैच हो रहा है वो टीम होम गार्ड वर्सेस टीम बपरोण, हमारी टीम है टीम बपरोण। तो हमारे बंदे थोड़े लेट है जिसकी वजह से मैच में थोड़ा डिले है। तो चल पड़ा हूँ मैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, तब तक बने रहिए व्लॉग में। और हमारे ओपनर तैयार है जाने के लिए। जितेंद्र एंड मिस्टर अंपायर का इशारा एक चौंती हुए भी आ चलते हैं। तो 2 बजे बस मिलते हैं। और अगली गेंद मस्ती है इस गेंद को चार रन के लिए बॉल से बाहर। एक रन भी है जिसे अरे तेरे पास चला गया हो और एक और विकेट का पता होता है यहाँ पर
शिकार के रूप में लगने वाला ये चौथा छक्का टीम को काफी लंबा प्रहार करके बीट हुए चले गए। और फिर बेल बजना है वहां पर चारों स्थाने सिख कमर को तो लगने वाला ये पांचवा बड़ा झटका टीम को दिनेश अच्छी गेंद ये फरमाइश पूरी करते हैं कि नहीं वो अभी फिर से तैयार और एक और विकेट का पतन होता हुआ वहां पर रन आउट के रूप में तो लगने वाला एक और बड़ा झटका टीम को झटके पे झटका स्कोर 7 रन तक का जी होती है जो घर में बैठे हैं और एक विकेट का पतन होता है वहां पर पंकज क्रॉस कर गए और अपना विकेट थ्रो कर दिया तो लगने वाला ये 7वां झटका टीम को बाहर से लगने वाला इसी का पहला बाउंड्री इन छह रन से ज्यादा 18 रन करते हुए के सामने पाए गए अंपायर ने कोई गलती नहीं की तो लगने वाला ये 8वां झटका अश्विन बढ़ गया है वहां पर ललित ने जतिन को तो अंतिम जोड़ी मैदान पर वहां पर अग्राम ने और अच्छी फील्डिंग वहां पर बॉलिंग की एक ही रन से संतुष्ट बीस के डंडे मालिक की अपील अच्छी गेंद से एक रन काफी अच्छा थे वहां पर हिमांशु का सीधा गेंद बॉबी का सामना करेंगे एक मतलब फिर पवन और तीन बॉल कर दिया है और यहां पर जीत अपने नाम कर ली है बकुल धवन ने तो हमारी टीम ने बनाया था 85 और दूसरी टीम सिर्फ 33 रन ही बना पाई क्योंकि हमारे बॉलर काफी अच्छी बॉलिंग की और हम मैच इजीली जीत गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।